हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्ष और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग पाइथन में एक फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए हमको एनाकोंडा में जाके अपने ज्यूपिटर नोट्स को पहले ओपन करना पड़ेगा। तो चलते हैं। तो ज्यूपिटर नोटबुक ओपन होने के बाद हमको कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। हमको यहाँ पे न्यू पे जाना है। न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे पाइथन 3 यहाँ पे लिखा गया, इस पे हमको क्लिक कर देना है। तो अब हमारा ज्यूपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम लोग पाइथन में फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फाइल को क्रिएट करने के लिए हमको लिखना है परसेंटेज राइट फाइल, और हम लोग अपने फाइल को जो भी नाम देना चाहते हैं वहाँ पे उसको वो नाम दे देंगे। जैसे मैं इसको देना चाहता हूँ माई फाइल डॉट txt, और हम लोग इसको फिर इंटर कर देंगे। अब हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हमको फाइल्स के अंदर जो भी लाइंस लिखने हैं वो लाइन लिख सकते हैं। जैसे हम लोग पहले लिख देते हैं हेलो, इट इज़ माई फर्स्ट लाइन। उसके बाद फिर लिखते हैं दिस इज़ सेकेंड लाइन। फिर लिख लेते हैं दिस इज़ थर्ड लाइन। तो हमने क्या किया, एक फाइल को क्रिएट किया। फाइल को क्रिएट करने के लिए हमको लिखना है परसेंटेज राइट फाइल स्पेस माई फाइल डॉट txt। यहाँ पे माई फाइल डॉट txt हमारी फाइल का नाम है। और फाइल को क्रिएट करने के बाद फाइल के अंदर हमको जो जो चीज़ें लिखनी है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसको करने के बाद इसको रन करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे रन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा। और या फिर हम लोग शिफ्ट प्लस इंटर को भी क्लिक कर सकते हैं, उससे भी हमारा जो कोड है वो रन कर जाएगा। अब ये ओवर राइटिंग माई फाइल डॉट txt लिख दिया, इसका मतलब हमारा जो है फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम देखना चाहते हैं हमने जो फाइल क्रिएट किया वो कहाँ पे हम उसको ओपन करना चाहते हैं। तो अभी हमने जो फाइल को क्रिएट किया अभी हम उसको ओपन करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको ओपन कैसे कर सकते हैं। ओपन करने के लिए हमको सिंपल लिखना पड़ेगा माई फाइल, एक वेरिएबल ले लेंगे इक्वल टू ओपन डॉट txt। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस इंटर कर दिए, रन कर दिए। देखिए ये हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है और इसमें कोई गलती नहीं, इसलिए देखिए ये रन करके हमको नेक्स्ट सेल पे लेके आ चुका है। तो देखिए इसको रन करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट सेल पे आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे माई फाइल डॉट txt की जगह पे कुछ और लिखते तो ये हमको एरर दे देता। जैसे कि अभी मैं लिख देता हूँ माई फाइल इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे अगर और इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ ऐसा लिख देते जो फाइल को हमने क्रिएट नहीं किया है, तब देखिए क्या करता, रॉन्ग फाइल। देखिए अब इसको अगर हम लोग रन करते तो रन करते हुए देखिए यहाँ पे हमको एरर दे रहा है। एरर में क्या लिख रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, मतलब ये बता रहा है कि इस नाम से हमने कोई फाइल क्रिएट ही नहीं किया, इसलिए हमको यहाँ पे एरर आ गया। और यहाँ ऊपर हमने जो फाइल को क्रिएट किया था वो सही था, वो फाइल क्रिएट हो चुका, इसलिए हमको वहाँ पे एरर नहीं मिला। अब हम देखना चाहते हैं जो हमने ऊपर फाइल को क्रिएट किया माई फाइल डॉट txt, अब इसके अंदर क्या क्या हमने लिखा है अब हम उसको पढ़ना चाहते हैं। तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई फाइल इक्वल टू ओपन और ब्रैकेट में जो हमने फाइल का नाम रखा है वो फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या है फाइल का नाम, क्या हमारे माई फाइल डॉट txt, और हम लोग उसको क्या कर देंगे, इंटर प्लस शिफ्ट। शिफ्ट करते हैं हम नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे, और अब हमारे जो फाइल है ये ओपन हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, माई फाइल डॉट रीड और ब्रैकेट, और इसको हम लोग रन कर देंगे। तो देखिए हमने जो भी लिखा था वो हमारे सामने आ चुका है, हेलो इट इज़ माय फर्स्ट लाइन। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैश एन करके दिया है, ये स्लैश एन जो है न्यू लाइन को इंडिकेट करता है। फिर लिखा गया दिस इज सेकंड लाइन स्लैश एन दिस इज थर्ड लाइन। तो अभी हमने जो भी फाइल के अंदर हमारे था वो हमको बाहर यहाँ पे मिल चुका है। और यहीं पर अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, अगर हम यहीं पर फिर से माई फाइल डॉट रीड लिखें और इसको देख के हम लोग अगर इसको हम लोग रन करें तो देखिए हमको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमको एम्प्टी दिखा रहा है। ये एम्प्टी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कर्सर था, वो कर्सर को जब हमने रीड किया तो ये कर्सर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आके जो है रुक चुका है, मतलब यहाँ पे ये कर्सर इस वक्त इस जगह पे, अब इसके आगे कुछ नहीं है। इसलिए अगर हम लोग अब इसको फिर से माई फाइल डॉट रीड करके रन करेंगे तो यहाँ पे हमको एम्प्टी दिखाएगा। अगर हम लोग इसको दोबारा जो है शुरू से पढ़ना चाहें तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा माई फाइल डॉट सीक और यहाँ पे ब्रैकेट में जीरो, और इसको लिख के हम लोग रन कर देंगे। देखिए यहाँ पे जीरो आ चुका है। अगर अब हम लोग माई फाइल डॉट रीड लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल चुका है फिर से, हेलो इट इज माई फर्स्ट लाइन स्लैश एंड दिस इज सेकंड लाइन स्लैश एंड दिस इज थर्ड लाइन। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे हर लाइन को जो है कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया जाए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम माई फाइल सीक करके जो है जीरो पे आ जाएंगे, माई फाइल डॉट सीक जीरो इंटर करेंगे, जीरो इंटर करेंगे, जीरो आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माई फाइल डॉट
रीड लाइंस करेंगे, रीड लाइंस और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अगर हम लोग इसको अवरण करेंगे, देखिए हमको यहाँ पे देखिए कॉमा के साथ साथ हर एक लाइन को जो सेपरेट कर दिया गया है, तो इसमें हमको पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे तीन लाइन लिखा था और तीनों लाइन को यहाँ पे जो है कॉमा से सेपरेट किया गया है। तो अभी तक हमने फाइल को क्रिएट करना सीख लिया, फाइल को ओपन करना सीख लिया, तो अब हम जानना चाहते हैं कि हमने जो फाइल को क्रिएट किया वो फाइल स्टोर कहाँ पे हुआ। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फाइल लोकेशन का। फाइल लोकेशन सिंपली हमको बता देगा कि हमने फाइल को कहाँ पे जो है जाके सेव किया है। तो देखिए विंडोज में हमको जब भी फाइल लोकेशन मिलेगा तो यहाँ पे देखिए हमको ये डबल स्लैश देखने को मिल रहा है। डबल स्लैश इसलिए यहाँ पे विंडोज में हमको देखने को मिलता है क्योंकि अगर ये सिंगल रहेगा और यूजर या फिर यूजर नेम या फिर फोल्डर किसी में भी अगर इनका पहला लेटर स्मॉल एन हुआ तो ये हमारा जो कोड रहेगा वो इसको न्यू लाइन की तरह जो है इंडिकेट करके रीड करने लगेगा। इसलिए हमको यहाँ पे विंडोज में सिंगल स्लैश देखने को मिलता है। और वहीं पे हमारा मैक ओएस या फिर लिनक्स हुआ तो वहाँ पे हमको देखिए स्लैश जो है सिंगल देखने को मिलता है। और इसमें हमको यहाँ पे ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे अगर सिंगल लाइन रहेगा तो ये न्यू लाइन क्यों नहीं इंडिकेट करता, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्लैश का डायरेक्शन है ये देखिए इस तरफ है और इसमें देखिए जो स्लैश का डायरेक्शन है ये देखिए इस तरफ है। तो सिंपल हमको सिर्फ ये समझना है कि विंडोज में डबल स्लैश यूज होता है और मैक ओएस और लिनक्स में सिंगल स्लैश यूज होता है। तब हमको ये तो पता चल गया कि विंडोज में हम जो है डबल स्लैश का यूज करते हैं और मैक ओएस और लिनक्स में सिंगल स्लैश का यूज करते हैं, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हमने जो फाइल को क्रिएट किया वो स्टोर कहाँ पे हुआ है। उसको पता लगाने के लिए हमको सिंपल इसमें लिखना है PWD और इसको लिख के रन कर देना है। तो देखिए ये हमारा मिल चुका है, हमारा जो फाइल लोकेशन कहाँ पे स्टोर हुआ है, C/ और यहाँ पे user/91840 यहाँ पे हमारा जो ये जो फाइल था यहाँ पे जाके ये स्टोर हुआ है। PWD लिखते ही हमको सिंपल जाके लोकेशन पूरा बता देगा। अभी तक देखिए फाइल क्रिएट करने के बाद हम कुछ इस तरीके से myfile=open myfile.txt से उसको ओपन करते थे, लेकिन अब हम एक नया तरीका देखेंगे जिससे हम फाइल को क्रिएट करके ओपन कर सकते हैं। और विथ ओपन और ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो हमारा फाइल का जो हमने नाम रखा है myfile.txt है, myfile.txt है, और उसका अभी हम लोग नया वेरिएबल जो है उसको रख लेंगे एक नए नाम से, माई न्यू फाइल में रख लेता हूँ माई न्यू फाइल, और इस यहाँ पे एक एप्स और यहाँ पे कॉलम के बाद इसको हम लोग इंटर करते हैं। देखिए हमको यहाँ पे एक इंडेंटेशन स्पेस मिल रहा है। इंडेंटेशन स्पेस मतलब क्या होता है कि हमारा जो माई फाइल डॉट txt था ये ओपन हो चुका है माई न्यू फाइल नाम से। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेंट्स एक और वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें असाइन कर देते हैं माई न्यू फाइल को, माई न्यू फाइल डॉट रीड और यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट। अब हम लोग क्या करेंगे इसको और रन करने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे कंटेंट्स लिखने के बाद हम लोग फिर से इसको रन कर देंगे। तो रन करते देखिए हमको यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है जो हमारा था, हेलो इट इज़ माई फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। अगर हम लोग इस कोड का यूज़ करेंगे तो हमको जो है किसी भी एरर के लिए जो है डरना नहीं है, कोई भी हमको एरर जो है जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए फाइल्स में लोग बहुत सारे मोड्स यूज करते हैं। पहला क्या आता है mode=R, ये सिर्फ क्या करता है रीड करता है। फिर एक आता है W क्या करता है राइट ओनली, ये क्या करेगा हमारे एक फाइल को ओवरराइट कर देगा या फिर अगर हमने कोई फाइल क्रिएट नहीं किया तो ये एक नया फाइल क्रिएट कर देगा। फिर आता है A, अगर हमने फाइल क्रिएट कर दिया और उसमें हम लोग एक नया लाइन ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे A का यूज करते हैं। फिर आता है R+, अगर हम लोग R+ मोड यूज करेंगे तो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग W+ का यूज करेंगे तो हम लोग राइटिंग एंड रीडिंग दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने जुपिटर नोट्स में चलते हैं और वहाँ पे चल के सीखेंगे कि हम इन सारे मोड्स को अपने प्रोग्राम या फिर अपने कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे R मोड मतलब रीड मोड। तो इसको यूज़ करने के लिए हमको पहले सिंपल लिखना पड़ेगा, जैसे हम लिखते थे विथ ओपन और फाइल का नाम जो रहता था फाइल का नाम रहता था myfile.txt और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉमा के बाद हम लोग लिखेंगे मोड में क्या था मोड इक्वल टू क्या था हमारा R और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एज माई फाइल एक वेरिएबल हम लोग इसको ले लेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देखिए हमको यहाँ पे एक इंडेंटेशन देखिए स्पेस मिल चुका है, मतलब हमने जो अभी तक ये प्रोग्राम लिखा ये सही है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कंटेंट्स और यहाँ पे इक्वल टू माई फाइल हमने एक वेरिएबल का नाम रख दिया था myfile.read, फिर यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट और इसके बाद हम लोग उसको रन करेंगे और रन करते देखिए हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट सेल पे और यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे कंटेंट्स और यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे कंटेंट्स और हम लोग उसको यहाँ पे रन करेंगे। देखिए हमको यहाँ पे ये मिल चुका है रीड मोड से। इसमें अगर हम मोड R का यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कर सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे R की जगह पे W मोड का यूज़ करते W
तो देखिए हमको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। क्यों एरर देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे राइट मोड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम माई फाइल डॉट रीड नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमको कुछ और लिखना पड़ेगा। और वो क्या लिखना पड़ेगा वो चलिए हम आगे। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग डब्ल्यू मोड का कैसे यूज़ करेंगे। तो हमको उसके लिए सिंपल लिखना है विथ और ओपन, और हम जैसे मैंने बताया था ये ओवर राइट करता है या फिर क्रिएट न्यू वन कर देता है। अगर हम इसमें जो है डब्ल्यू का यूज़ करेंगे राइट का, जो हमने प्रोग्राम लिखा था जो हमारे फाइल्स के अंदर था ये उसके ऊपर ओवर राइट कर देगा, या फिर हमने अगर कोई फाइल क्रिएट ही ना किया उस नाम से तो ये क्या करेगा देखिएगा, ये उस नाम ही से एक जो है नया फाइल क्रिएट कर देगा। तो ये हमको एरर नहीं देगा, उसी नाम से एक जो भी हमने यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे वो ये क्या करेगा वही एक फाइल जो है क्रिएट कर देगा .txt। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ क्या करना है हमको मोड क्या कर देना है R मोड, यहाँ पे हमको क्या कर देना है सिर्फ मोड को क्या कर देना है W मोड W, और यहाँ पे इंटर करके क्या लिखना है सॉरी मोड W एज F, और यहाँ पे हमको क्या करना है कॉलम फिर इंटर। देखिए हमको इंडेंटेशन मिल चुका है, इंडेंटेशन स्पेस यहाँ पे विथ के नीचे, और यहाँ पे हमको क्या लिखना है F डॉट राइट। और एफ डॉट राइट लिखने के बाद हम अपने फाइल के अंदर जो कुछ लिखना चाहते हैं वहाँ पे हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने फाइल के अंदर लिखना चाहता हूँ आई क्रिएटेड दिस फाइल, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे सीधा रन। तो अब हमारे जो फाइल था ये क्रिएट हो चुका है, अब इसको हम रन करना चाहते हैं। तो रन करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा विथ ओपन रीड मोड, अब हमको ओपन यहाँ पे करना पड़ेगा विथ ओपन, और यहाँ पे अब हमने जो ब्रैकेट में जो भी इसका नाम रखा था gh5.txt, और यहाँ पे अब हमको मोड क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ हमको मोड क्या कर देना है मोड हमको R कर देना है मोड रीड मोड R मोड, अगर हम लोग यहाँ पे R कर देंगे, और यहाँ पे एज क्या था एज F था कॉलन इंटर, और हमको यहाँ पे क्या कर देना है प्रिंट f.read और यहाँ पे इंटर। तो देखिए आई क्रिएटेड दिस फाइल, हमने यहाँ पे एक gh5.txt नाम का एक फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे w देख चुके r देख चुके, r मतलब रीड मोड w मतलब राइट मोड। रीड क्या करेगा जो भी फाइल के अंदर रहेगा वो हमको मिल जाएगा, हम उसको रीड कर सकते हैं, और w क्या करेगा एक नया फाइल क्रिएट कर देगा अगर उस फाइल नहीं रहेगा। अगर वो फाइल पहले से क्रिएट रहेगा तो अब हम जो राइट करेंगे वो फाइल को इरेज करके उसके ऊपर ओवर राइट कर देगा। लेकिन अगर हम कोई एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ लाइन्स हम जो है लिखना भूल जाते हैं तो हम यहाँ तो वहाँ पे हम ए की मदद से अपेंड कर सकते हैं, अपेंड मतलब उस फाइल में एक नया लाइन ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ए को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैं देख लेता हूँ मैंने अभी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया gh5.txt, अब हम लोग इसी में अपेंड करेंगे। अपेंड करने के लिए हमको जैसे मैंने यहाँ पे इसको रीड कर दिया है तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा विथ ओपन, और जो भी मेरे फाइल का नाम है तो मैं अपने फाइल का नाम लिखूंगा gh5.txt, और फिर यहाँ पे कॉमा जैसे था सिंपल, और फिर यहाँ पे मोड क्या है मेरा, अब मोड है मेरा ए, क्या करना है इसको एक नाम दे देंगे एज एफ दे दिया, और यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे इंटर, और यहाँ पे मैं कर दिया अब हमको क्या पेंट करना है क्या लिखना है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे एफ राइट, और इसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे जो भी हम लिखना चाहते हैं इसके अंदर हम लोग लिख देंगे। तो देखिए पहले कॉलन, इसके अंदर देखिए पहले हम लोग स्लैश एन देंगे, स्लैश एन का मतलब क्या हुआ, तो जो भी हम लिखेंगे वो एक नए लाइन से जो है स्टार्ट होगा, नहीं तो वो इसी जैसे मैं आई क्रिएटेड दिस फाइल लिखा था तो इसी के आगे वो लिखा जाता, इसके आगे जो मैं लिखूंगा वो लिखा जाता। अगर मैं स्लैश एन यूज़ करूंगा तो ये इसके आगे नहीं यूज़ होगा, इसे या तो स्लैश एन लिख के आगे यूज़ होगा या फिर इसके नीचे लिखा जाएगा ताकि हमको पता चल जाए कि ये जो है दूसरे लाइन में लिखा गया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आई एड न्यू लाइन, और मैं यहाँ पे सिंपल इसको एंड पे गया और इसको रन कर दिया, और रन करने के बाद अब मुझको फिर से लिखना पड़ेगा विथ ओपन, और यहाँ पे क्या था gh5.txt, यहाँ पे कॉमा मोड R as f column print f.read print f.read, और यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे इंटर।
तो देखिए यहाँ पे आ चुका है आई क्रिएटेड दिस लाइन, आई एड न्यू लाइन, यहाँ पे जो एक नया एड लाइन मैंने ऐड किया वो भी अब आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारे पास आगे आर प्लस था और डब्ल्यू प्लस था, उसका भी यूज़ हम लोग इसी तरीके से करेंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि पाइथन सीखना चाहते हैं, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं और पाइथन के बारे में कुछ नया सीखना चाहते हैं। थैंक यू। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it.